चाहे वो सरकार की लोकप्रियता हो, चाहे वो नेता की लोकप्रियता हो, चाहे ओपिनियन पोल की बात हो, चाहे एग्जिट पोल की बात हो, तो ये एक तरीके से लोकतंत्र का और जनमत का, जनादेश का अपहरण और लूट का खेल है। कुल 12,000 के सैंपल सर्वे में, जबकि हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और 78 से 83 सीटों का दावा किया गया उस चैनल के ऊपर, मतलब जो लोकसभा में चुनाव में बीजेपी को वोट मिला उससे 11% बीजेपी को विधानसभा में कम, वही सर्वे दिखा रहा। और जब सीटें मैंने देखी तो सीटें उसमें दिखा रहा है 11% वोट आपकी कम हुई और आपकी सीटें 78 और 83 के बीच में हो गई। उसका पहले तो रिक्वेस्ट करता कि सर शाम का भी स्लॉट 2 घंटे का प्लीज, ओपिनियन पोल है, आप सीनियर है, ये है, आप करिएगा हमारे साथ। एंड ऑल ऑफ ए सडन 15 मिनट बाद आया कि सर वो थोड़ा सा शाम का ना शेड्यूल चेंज हो गया है, ब्रॉडकास्ट तो रहेगा 5 से 7 बजे तक, लेकिन उसमें से जर्नलिस्ट को हटा दिया है, पार्टी प्रवक्ताओं को बुलाए। और मैंने वहां चैलेंज किया कि अगर बीजेपी 40 से अगर एक भी सीट ऊपर आ जाए, एक भी सीट अगर बीजेपी 40 से बुलाए, तो मैं अपना जर्नलिज्म का करियर छोड़ दूं भाई। अभी हाल ही में आपने एक मैगजीन का सर्वे देखा होगा, उसने मुख्यमंत्रियों की रेटिंग दी और एक चीज आपने 7.5 साल में देखी होगी कि प्रधानमंत्री की रेटिंग हमेशा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो GST हो, चाहे बड़े से बड़े फैसले, वो रेटिंग उनकी कभी कम नहीं होती। तो ये सारे का सारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये मनी मेकिंग मशीनरी है जो ये रेटिंग्स का जो खेल है। जिस भी स्टेट में चुनाव आएगा उसको पहले 2-3 नंबर पे ले आएंगे। अभी आपने देखा कि पंजाब के बारे में जो उस मैगजीन ने दिखाया, अगले साल पंजाब में चुनाव है। आज आपको कह के जा रहा हूं, चुनाव से एन पहले पंजाब के बारे में मेरी नोट कर लीजिए बात, आप आज वो ये कहेंगे कि पंजाब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट है। ये दौर था जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे, बीजेपी 75 पार का नारा उछाल रही थी, एक के बाद एक ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे नेशनल न्यूज चैनल्स के। बताया जा रहा था किसी ओपिनियन पोल के अंदर के 70 पार बीजेपी जा रही है, किसी में 80 पार और एक चैनल ने तो 85 पार भी बीजेपी को दिखा दिया था। लेकिन उस दौरान एक शख्स थे जो NDTV के ऊपर एक कार्यक्रम के दौरान दावा कर रहे थे कि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए इस बार बहुमत का आंकड़ा छूना, 40 के आंकड़े पर पहुंचना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। और बीजेपी के जो धुरंधर नेता हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। जो आखिरकार हुआ, जो नतीजे आए, वो हम सबके सामने हैं, वो पूरे हरियाणा पूरे देश के सामने हैं। और उस दौरान जो दावा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री, आज इस वीडियो ब्लॉग में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत अत्री जी से हम आज बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो इस तरह के ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, और ये सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं होते हैं ऐसे सर्वे, ये सर्वे चुनाव के बाद भी आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनल्स के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। हेमंत जी, मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल ये है कि ये जो तमाम सर्वेज होते हैं, वो चाहे चुनावी हो और आज के दौर में भी हो रहा है, ये तो लगातार आते ही रहते हैं, हर 6 महीने में या साल में अलग अलग संस्थाएं करते रहती हैं, न्यूज चैनल्स करते रहते हैं, एक आम टेलीविजन का उपभोक्ता क्या इनके ऊपर यकीन कर सकता है? देखिए महेंद्र जी, बड़ा वाजिब सवाल है आज के दौर में। और जो स्थिति इस टाइम देश में चल रही है, ये सारे का सारा सर्वे तो अपनी जगह छोड़िए, ओपिनियन पोल्स की आप बात करिए, पॉपुलरिटी की बात करिए, सारी चीजें करिए, सारे का सारा स्पॉन्सर्ड है, प्रीमेडिटेटेड है। और इसमें सबसे जो वैज्ञानिक तौर पे जो गलत बात है वो ये है कि इसका जो सैंपल साइज है, जिसपे हमेशा डिस्प्यूट रहता है, हरियाणा के विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो मैं एक टीवी चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कुल 12,000 के सैंपल सर्वे में, जबकि हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और 78 से 83 सीटों का दावा किया गया उस चैनल के ऊपर बीजेपी का, तो सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए उस चैनल का कि उस दिन मैं उनका गेस्ट था। ओके। दोपहर में जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई चुनाव आयोग से, तो शाम को 5 से 7 बजे तक उस कार्यक्रम का प्रसारण होना था लाइव, और उसमें जर्नलिस्टों को भी बुलाया गया। तो जब मेरा पहला कार्यक्रम स्लॉट खत्म हो गया 1 से 2 बजे का, तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी फाइंडिंग्स लेके आइए पहले, तब मैं पार्टिसिपेट करूं। ओके। तो वो फाइंडिंग्स लेके आए और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उन्होंने कहा कि साहब जो आपको ध्यान होगा, विधानसभा से पहले हरियाणा में लोकसभा का चुनाव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 70+ सीटों में लीड किया था, अगर आपको ध्यान हो, असेंबली वाइज अगर हम नतीजों को देखें तो। जी जी। तो वो जब उनका बंदा जो लेके आया मेरे पास सारे डेटा और फिगर्स, तो मैंने उसके कंक्लूजन देखे, केवल इन्फ्रेंसेस देखे,
और मैं ये जान के हैरान रह गया कि जो लोकसभा की तुलना में जो विधानसभा का चुनाव का जो उन्होंने सर्वे किया था, सो कॉल्ड सर्वे, मैं इसको सो कॉल्ड सर्वे कहूंगा आपके साथ, उसमें बीजेपी के वोट परसेंटेज 11% कम आ रहे थे। मतलब जो लोकसभा में चुनाव में बीजेपी को वोट मिला उससे 11% बीजेपी को विधानसभा में कम, वही सर्वे दिखा रहा था। और सीटें ज्यादा दिखा रहा था, और जब सीटें मैंने देखी तो सीटें उसमें दिखा रहा है 11% वोट आपकी कम हुई और आपकी सीटें 78 और 83 के बीच में हो गई। तो मैंने कहा उसके उनके बंदे को बुलाया मैंने, उनके जो भी कंसर्न ऑफिसर था, मैंने कहा कि यार ये क्या तरीका है, इसमें जब 11% वोट घट रही है तो सीट कैसे बढ़ेगी। तो वो चुप हो गए, तो हम वहां चाय वगैरह पीने लगे बैठे। 10 मिनट बाद उसका, पहले तो वो रिक्वेस्ट करता कि सर शाम का भी स्लॉट 2 घंटे का प्लीज, ओपिनियन पोल है, आप सीनियर है, ये है, आप करिएगा भाई साहब, ही वाज रिक्वेस्टेड। एंड ऑल ऑफ ए सडन 15 मिनट बाद आया कि सर वो थोड़ा सा शाम का ना शेड्यूल चेंज हो गया है, ब्रॉडकास्ट तो रहेगा 5 से 7 बजे तक, लेकिन उसमें से जर्नलिस्ट को हटा दिया है, पार्टी प्रवक्ताओं को बुलाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि उस जो 78 से 83 का आज चुनाव की घोषणा हुई है 1 बजे, और आप शाम को 5 बजे कह रहे हो कि हरियाणा में बीजेपी की 78 से 83 सीट आने वाली, तो हरियाणा का जो जनादेश आना है उसका तो आपने अपहरण कर लिया ना, डकैती कर दी उसको। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि जो ये लाइन खींची उसके बाद, तो आपने जितने भी सर्वे देखे होंगे किसी ने भी बीजेपी को 60 से नीचे सीटें नहीं दी जी। तो शाम को 8 बजे दूसरे किसी चैनल के कार्यक्रम में मेरे मुंह से उस चैनल का नाम भी निकल गया, और मैंने वहां चैलेंज किया कि अगर बीजेपी 40 से अगर एक भी सीट ऊपर आ जाए, ओके, एक भी सीट अगर बीजेपी 40 ऊपर आए तो मैं अपना जर्नलिज्म का कैरियर छोड़ दूंगा। तो वो जो एंकर थी मोहतरमा, उन्होंने कहा कि साहब दूसरे चैनल का नाम मत लीजिए। मैंने कहा जी ये सनद रहे की बात है, और ठीक बात है दूसरे चैनल पर दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा। और मैंने एक चीज और कही वहां कि अनिल विज को छोड़कर कोई भी मंत्री चुनाव नहीं जीतेगा, वो बाकी चीजें आपके सामने रिकॉर्ड की बात है। तो मेरा कहने का महेंद्र जी सबब ये है कि ये सारे का सारा, एक हाथ को छोड़ दीजिए आप, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में आप बात करेंगे तो किसी भी चैनल ने 60 से नीचे सीटें नहीं दी थी ओपिनियन पोल में, 75 से 83 सीटें भी आपके सामने, 78 से 83 आई एम सॉरी। और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आना था उस दिन एग्जिट पोल पोलिंग के बाद जो आता है उसमें भी सबने बहुमत दिखाया था बीजेपी को। और अगर आपको ध्यान हो एग्जिट पोल पे, उसी से एग्जिट पोल के शाम को 2 घंटे में लाइव था वहां पर, और मैंने उस दिन भी अपनी बात दोहराई थी कि 40 से ऊपर बीजेपी की सीट टच नहीं होने वाली है, वही रिजल्ट आया, बीजेपी की 40 सीट आई जी। तो जो ग्राउंड बोलता है उसका कनेक्ट केवल तभी महेंद्र जी हो सकता है जब आपका सैंपल साइज ठीक हो, आपकी नियत ठीक हो, और आप सर्वे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के नाम पर प्रायोजित कार्यक्रम किसी भी दल का, वो बीजेपी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, वो टीएमसी हो सकती है, एनीबॉडी इट कैन जी जी जी। अगर आप पत्रकारिता के मापदंडों पर उसको देखेंगे तो मैं इसे जनमत की लूट कहूंगा जो इस देश में पिछले कुछ चुनावों से मैंने देखी जी। जी अच्छा सर, इसमें जो ये है कि एक तो चुनावी सर्वेज हो गए, आज की तारीख में भी हो रहे हैं, ये चुनाव के बाद भी होते हैं कि कौन सा नेता, कौन सा मुख्यमंत्री कितना पॉपुलर है, कौन सा विपक्ष का नेता कितना पॉपुलर है, प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर हैं, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट हैं, इस तरह के सर्वेज के अंदर क्या दिखाया जाता है, क्या जताया जाता है, क्या ये भरोसे के लायक है। चलिए वो तो ठीक है कि चुनाव में बहुत सारी चीजें हैं कि भी नीयत ठीक नहीं होगी, स्पॉन्सर्ड भी होंगे या फिर दिखाना ही है एक पार्टी के पक्ष में, लेकिन जो इस तरह के सर्वेज होते हैं ऑफ सीजन जिनको कह लीजिए, क्या इन पर भरोसा करें? नहीं महेंद्र जी, इसको आप ऑफ सीजन मत कहिए, ये एक बिजनेस सीजन, ये बिजनेस पैटर्न है इस देश में नया। ये सारा का सारा कंसेप्ट यूरोप से और यूएसए से आया, जहां पर पॉपुलरिटी रेटिंग्स, आपने नाम सुना होगा वहां पर, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉपुलरिटी रेटिंग्स, फलाने नेता की इतनी चल रही है, फलाह की इतनी चल रही है, फलाह की चल रही है, इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी जी। हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से अगर एक स्पेसिफिक मैगजीन का आप नाम ले तो वो साल में 2 बार करती है। और मैं 137 करोड़ का देश है और वो 15,000 या 18,000 के सैंपल से, जिसमें ये भी नहीं पता कि कास्ट ग्रुप कौन से हैं, सब ग्रुप्स कौन से हैं, कौन सा रीजन में कितने सैंपल साइज है। मैं 27 साल से जर्नलिज्म में हूँ, आज तक मेरे सामने किसी सर्वे एजेंसी ने, चाहे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, पॉपुलरिटी रेटिंग, मेरे सामने आज तक किसी का ना कोई फोन आया ना कोई फार्म, मैं ये कह सकता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि 15-16 साल से जर्नलिज्म में आपके पास भी कोई नहीं आया हो जी, अगर आया हो तो आप बताएं। नहीं, 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 नहीं
मेरे जर्नलिज्म के जितने साथी हैं, सैकड़ों के सैकड़ों साथी हैं, मैं सबसे पूछता हूं कि भाई कोई आज तक आपके पास आया? जितने बुद्धिजीवी, शिक्षाविद हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लोग जो ओपिनियन बिल्डर्स हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं। अभी हाल ही में आपने एक मैगजीन का सर्वे देखा होगा, उसने मुख्यमंत्रियों की रेटिंग दी, हाँ जी, उसने तमाम राज्यों की रेटिंग्स दी डिफरेंट पैटर्न्स पे, डिफरेंट पैरामीटर्स पे, और एक चीज आपने पौने सात साल में देखी होगी कि प्रधानमंत्री की रेटिंग हमेशा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे बड़े से बड़े फैसले हो, वो रेटिंग उनकी कभी कम नहीं होती। तो एक मानक मान के चलिए कि प्रधानमंत्री की रेटिंग बियॉन्ड एनी चैलेंज है, वो तो रहेगी। ओके, उस पैटर्न के बाद आप किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी कहते रहे, हाँ, जहां आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और आप देखिएगा, अभी आपने देखा कि पंजाब के बारे में जो उस मैगजीन ने दिखाया, हाँ हाँ हाँ, अगले साल पंजाब में चुनाव है, मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, हाँ, चुनाव से एन पहले पंजाब के बारे में मेरी नोट कर लीजिए बात आप आज जी, वो ये कहेंगे कि पंजाब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट है, वही लोग वही सर्वे वाले उसी मैगजीन में, आप नोट वो मैगजीन का कॉपी रख लीजिए हार्ड कॉपी, और केवल 6-8 महीने की बात है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट होगा, वही चीफ मिनिस्टर मोस्ट पॉपुलर होगा। अगर हरियाणा के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की बात करें तो हरियाणा में सबसे पॉपुलर लीडर कौन था? अब हरियाणा में 3 साल 4 साढ़े 3 साल चुनाव नहीं है, उसी ओपिनियन पोल का उसी लीडर के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उसका उन्होंने क्या किया, पॉपुलर रेटिंग 8 पे ला दी, मतलब आप 1.25 साल में ऐसा क्या होगा स्टेट के अंदर? तो ये सारे का सारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये मनी मेकिंग मशीनरी है जो ये रेटिंग्स का जो खेल है। जिस भी स्टेट में चुनाव आएगा उसको पहले 2-3 नंबर पे ले आएंगे, और जैसे ही उनकी पैकेजिंग खत्म होगी, चुनाव खत्म होगा, फिर वहीं पर वापस खड़ा कर देंगे। तो एक सतत प्रक्रिया है ये, और ये वोटर को और देश के आम नागरिक को चारों तरफ से गुमराह करने के षड्यंत्र और साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है। महेंद्र जी, अच्छा सर, इसमें एक चीज है कि ये मीडिया का दबाव होता है नेताओं के ऊपर, सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर, इस वजह से ऐसा होता है, या फिर ये उन पार्टी नेताओं का दबाव मीडिया के ऊपर होता है इस वजह से ऐसे सर्वेज होते हैं, या फिर ये दोनों की मिली भगत है? देखिए महेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। ये बेसिकली क्विड प्रो को है, अंग्रेजी का एक शब्द है, कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, जिस नेता को जरूरत है वो उस सर्वे के लिए प्रायोजित करेगा, उसके लिए जो कुछ भी होता है, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, बिलो द टेबल, और नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं आजकल। आपने 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री का एक बड़े अखबार में देखा होगा, 2 पेज का पूरे का पूरा विज्ञापन, जैसे इम्पैक्ट फीचर का नाम दे देते हैं उसके लिए, वो उस अखबार का नाम लिख करके और नीचे बिल्कुल हल्का सा लिख देंगे, आपको और मुझे सबको क्या लगेगा कि इस राज्य में तो विकास की नदियां बह गई, जबकि वो बेसिकली विज्ञापन है अखबार की तरफ से। ये आपने नया पैटर्न देखा होगा, ये बिल्कुल कोने में छोटा सा लिखा जाता है ADVT एडवर्टाइजमेंट, और ये आम लोग ना तो देख पाते ना पकड़ पाते। ADVT वाला जो सवाल है वो चुनाव के दौरान करते हैं महेंद्र जी, अब तो इन्होंने नया खेल शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें अखबार का नाम लिखेंगे फला अखबार, और ब्रैकेट में लिखेंगे इम्पैक्ट फीचर। ओके, वो ADVT भी हटा दिया है, उसके ल्यू में फिर एडवर्टाइजमेंट के 10 पेज लेंगे अगले महीने में, 2 महीने में, जो भी पैकेज डील होगी। तो ये एक नया पैटर्न है। आप चुनाव में देखिएगा, आज की तारीख में जो भी चुनाव नेता लड़ने जाता है उसके खर्चे का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मैं चुनाव आयोग कवर किया है 20 साल दिल्ली में, चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे है? पेड न्यूज पे। हाँ बिल्कुल, छोटे से निर्दलीय उम्मीदवार से लेकर के बड़ी से बड़ी पार्टी के नेता से आप पूछ लीजिए, चुनाव लड़ने के लिए अखबारों के साथ उसकी पैकेज डील क्या है, या मीडिया के साथ उसकी पैकेज डील क्या है, या चैनलों के साथ उसकी डील क्या है। अगर किसी भी नेता के चुनाव पर 50 लाख खर्च होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि उसका 20% हिस्सा मीडिया के नाम का है, जिसके नीचे ब्रैकेट में आपने जो बात की ADVT लिखा हुआ छोटा सा, ये वो कंसेप्ट। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी गरीब घर का आदमी या कोई लोकल पॉपुलर आदमी पैसे के अभाव में ना तो उसकी कोई खबर छपनी है, खबर किसकी छपेगी? जो साधन संपन्न है जी, जो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र का और जनमत का, जनादेश का अपहरण और लूट का खेल है जी। चाहे वो सरकार की लोकप्रियता हो, चाहे वो नेता की लोकप्रियता हो, चाहे ओपिनियन पोल की बात हो, चाहे एग्जिट पोल की बात हो, ये सारा अर्थ संचालित है।
ओके अच्छा सर, इसमें जी इसमें सवाल ये है सर कि क्या हम आम जनता को इस तरह के सर्वेस को इग्नोर करना चाहिए, या कोई समझ है या कोई ऐसे पैमाने हैं कि उनके ऊपर इन्हें तोलने के बाद हम इनकी असलियत को जांच सकते हैं? देखिए महेंद्र जी, इसमें बहुत साधारण सी बात है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर ये सब नहीं होता है खेल। वहां अगर आपकी पॉपुलरिटी रेटिंग 1% का भी मार्जिन है तो वो कोई भी दावा करने से बचते हैं। वो साफ कहते हैं कि 49-51 की रेशियो है और किसी भी तरफ पाला झुक सकता है। ओके, हमारे देश में आप कहिए, देखिए हमारा देश का आदमी बहुत समझदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप रोज हर एक अखबार में उसी नेता की, हर एक चैनल पे उसी नेता की खबर, उसी का सारा दिन महिमा मंडल अगर आप देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आपके दिमाग पे करता है। बिल्कुल करता है। और आजकल एक नया पैटर्न हो रहा है, विपक्ष से केवल सवाल पूछे जाने, सत्ता पक्ष से तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। सत्ता पक्ष सवालों से परे हो गए हिंदुस्तान के अंदर। ये नाजी जर्मनी में होता था अगर आप ध्यान करें। ओके, ये सारी जितनी भी दुनिया में बुराइयां हैं वो फलाह के कारण है, और जो भी उपलब्धियां आज हैं या होने वाली वो मेरे कारण होने वाली जी। तो लार्जर देन दी लाइफ साइज। और इसमें मीडिया जो है, जो मीडिया आज देश में रोल कर रहा है ओपिनियन पोल्स के नाम पर, पॉपुलरिटी रेटिंग्स के नाम पर, चुनाव में पेड न्यूज के नाम पर, ये इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। ये ठीक तभी होगा जब मेरे और आप जैसे जो पत्रकार साथी जी और हमारा समाज इस पूरी साजिश और खेल को समझेगा। वो खबर के नीचे देखेगा धीरे से, खबर पॉलिटिकल खबर मैं कहता हूं नीचे से पढ़नी शुरू कीजिए। ओके, नीचे भी कॉर्नर से, जहां एडवर्टाइजमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, तब ये खेल खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ये खेल खुल के रहेगा, सदा नहीं चलता है, तब तक कोई और इम्पैक्ट फीचर या कुछ और ले आएंगे ये लोग। लेकिन लोकतंत्र के साथ ये बद्दा मजाक जी। आखिर में कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? नहीं महेंद्र जी, मैं तो कुछ यही कहूंगा कि आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश के लोगों को जागरूक होना होगा जी। किसी एक समाचार के साधन पर, चाहे वो अखबार है चाहे वो चैनल है, उसके साथ चिपकने की बजाय मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को चेक करें जी। और सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड लेकर के ही तब अपनी ओपिनियन बनाए। ये आम आदमी के भी हित की बात है और इस लोकतंत्र के हित की भी बात है, समाज के हित की भी बात है। गुमराह ना हो, तथ्यों पे जाएं, तथ्यों को क्रॉस चेक करें, बार बार चेक करें, और उसके बाद ही अपनी राय बनाएं। इसी में सबका भला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू महेंद्र जी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।